हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि अपने वर्मी कंपोस्ट बेड से अपना खाद कैसे उतारें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ऊपर की ये पुराल उतार लेनी है, जो हम इस जेली की सहायता से ये सारी पुराल उतार लेंगे और इसी जेली की सहायता से इसे थोड़ा सा खुरेद देंगे। जैसे पौधों की मिट्टी को खुरेदते हैं ना, थोड़ी भुरभुरी सी हो जाए वो, इस प्रकार कर देंगे ताकि धूप लगने के कारण हमारा केचवा है जो नीचे चला जाए। इससे फ्रेंड्स हमारे खाद में केचवा नहीं आता और हम नुकसान से बच जाते हैं। अब अपने हाथ की मदद से ये पुराल सारी जो है अपने खाद में इसे निकाल देंगे और इसे हाथ से थोड़ा सा भुरभुरा सा कर देंगे ताकि अच्छे से धूप लग जाए और हमारा केचवा है जो बेड के अंदर चला जाए, और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही धूप लगने देंगे। जब तक इसमें धूप लग रही है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। और अब हम इस पॉलीथीन को सीधा कर लेते हैं और इस पे से सारा कचरा हटा देते हैं ताकि हम अपना खाद इस पॉलीथीन पर उतार सकें। एक बार फिर से जेली से इसे नुला देते हैं। और अब इस फावड़े की मदद से अपना सारा वर्मी कंपोस्ट इस पॉलीथीन पर उतार लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका है ये। ऐसा तरीका आपको और किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिर्फ खाद उतर रहा है, इसमें केचवा ही बहुत कम मिलेगा। और अब अपने हाथ की मदद से जो इसमें केचवे हैं उनको हम वापस बेड में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत बहुत लगती है लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे हम अपना केचवा बचा लेते हैं। और फिर से हम इस पर पुराल ढक देंगे ताकि ये केचवे अपना काम फिर से शुरू कर सके। तो ये 10 या 15 दिन के बाद फिर से इसमें खाद बनकर तैयार हो जाएगी। फिर 3-4 इंच की हमारी लेयर तैयार हो जाएगी और हम फिर उसे उतार लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आप वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि न्यू अपडेट्स आप सबसे पहले देख सकें।